तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शंस की, टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ बात किया था कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं, किस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मूले के लिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चीजों पे हम इसका बातचीत करते हैं, वो हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया था। आज हम इससे आगे क्लासेस पे चलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए ही हम बहुत सारे कैलकुलेशंस और बाकी चीजों पे हम बात करते हैं। चलिए एक्सेल फाइल हम ओपन करते हैं। यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने बताया था ज्वाइन करने का सिस्टम, हमने दो डेट को आपस में, दो वैल्यू को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे, ये आपको मैं वजह बताना था। जैसे हमने सुजीत कुमार लिखा तो जनरली हमारे पास कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला है जिससे हम आपस में इसको ज्वाइन करते हैं। इसको लिया स्पेस और हमने इसको लिया, ये नॉर्मल है, तो सुजीत कुमार आ गया। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे एन परसेंट भी इस्तेमाल कर सकते, इसको सेलेक्ट किया, एन परसेंट लगाया, स्पेस, अगेन एन परसेंट लगाया और इसको सेलेक्ट करके एंटर मारा, तो यहाँ हमारा सुजीत कुमार आ गया। लेकिन सेम चीज अगर हम डेट में करते हैं तो डेट में करते हैं, जैसे हमने यहां पे कुछ डेट डाल दिया, मुझे इन दोनों के बीच को कनेक्ट करना है, कैसे करें? इसको सिलेक्ट किया और अगर हमने मान लीजिए कि डैश लगा दिया फिर एन परसेंट दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, जब एंटर मारते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। तो इसको कैसे किया जाए ताकि डेट फॉर्मेट में आए, तो इसके लिए यहां पे हम टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे dd/mm/yy किया, एंटर पेस्ट कर दिया। माफ कीजिए, टेक्स्ट का फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट। अब यहाँ भी हम टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तीन बार, दो बार डीडी, तीन बार एमएम, तो कस्टम फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है ना वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट आ गया। अब फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात समझ में आ गया कैसे होगा? अच्छा, तो सर इसको जैसे आपने ये पहले इसको फॉर्मेट दिया, ओके, फर्स्ट जैन को पहले टेक्स्ट फॉर्मूला में आपने उसको ये दिया है, बट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे आपने ऊपर नंबर आया इसी को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, आप कॉन्कनेट करते समय एक काम और कर सकते हैं, यहीं पे आप टेक्स्ट नंबर लगा दीजिए, टेक्स्ट रिजेक्ट किया,
डीडी एनएम वाई वाई, तो ये दो डीडी करना था, तीन कर दिया मैंने। ठीक है, और इसी में एन परसेंट जो डैश लगाना है, टू लगाना है, जो भी आप देना चाहते दे दीजिए, तो आप फर्स्ट टेक्स्ट का फॉर्मा लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डी डी एम 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 वाई वाई। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं सर, ये बेटर है, हमने वो अलग अलग करने की जगह वो दोनों जो फॉर्मूलाज है टेक्स्ट के वो एक ही सेल में कॉपी पूरे करती है। लेकिन मेरे पास अगर पूरी की पूरी रेंज हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कॉन्केट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला नया है, लेटेस्ट वर्जन में आएगा आपको, बट सेपरेटर नहीं देगा। ठीक है, कॉन्केट में, कॉन्केट फॉर्मूला में हम पूरा का पूरा रेंज दे सकते हैं, रेंज के जितना ही पार्ट होगा सबको यहाँ पे सबको ये कर देगा, कॉपी पेस्ट कर देगा आपको यहाँ पे। ठीक है सर, लेकिन आपको सेपरेटर चाहिए तो ये आप टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें आपको दीजिए सेपरेटर क्या है आपका, बेस आप ब्लैंक को इग्नोर करना चाहते हैं टू एंड फॉल्स, और फिर पूरा का पूरा रेंज दे दीजिए। ठीक है, ये आपका ज्वाइन कर देगा, बट ये फॉर्मूला भी लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। 365 तो ज्वाइन करना आ गया आपको जी सर। सेपरेट करना सिखाया था? नहीं। लेफ्ट राइट मिड सिखाया था? सेपरेट की बात कर लेते हैं, तो मैं यहां लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें से लेफ्ट नंबर अलग कर लूंगा, ये मुझे थ्री चाहिए तो थ्री नंबर ये अलग करके दे देगा। ठीक है, बिटवीन का बिटवीन में हो जाएगा, और यहाँ राइट के लिए हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे सर। राइट, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ राइट से थ्री लेटर अलग कर देंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है मिड का, मिड में आपको बताना पड़ता है आपका मिड कहाँ से है, तो हमने बोला कि यहाँ चौथे नंबर से, चौथे नहीं पांचवें से थ्री लेटर को अलग करना है, मिड हो गया। पर ये डायनेमिक नहीं है सर, अगर मुझे डायनेमिक करना हो तो जैसे मेरे पास कुछ ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com। ठीक है, kumar@iptindia.com। तो कैसे करेंगे इसको, मुझे इसमें से साइट अलग करना है और आईडी को अलग करना है, साइट को अलग करना है और आईडी को अलग करना है, इसको तो भी लेफ्ट को। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बहुत सारी ईमेल आईडी है ना, मैं लेंथ हमारा पता नहीं, अगर आप यहाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे
लेफ्ट ऑफ मान लिया, तीन लेटर अलग कर दिया, तीन नहीं पांच हुआ, पांच रुपए को अलग कर दिया। कल के डेट में सुजीत कुमार नौ ए कुमार नौ सुजीत कुमार लिखा हो, एडवांस एक्सल लिखा हो, तो हम चाहते हैं कि एट द रेट के बयान से वो खुद ब खुद डिसीजन ले ले और लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट को अलग कर। ठीक है सर, मतलब उसको कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से लेफ्ट और राइट अलग कर देगा। जी हाँ, तो फाइन फॉर्मूला लेते हैं, एडिडेट देते हैं, कॉमा वन। तो फाइन फॉर्मूला क्या बोलेगा, बताएगा कि एडिडेट इसमें है या नहीं है, उसका नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ लेटर कौन सा है, कितने नंबर पोजीशन पे है, यहाँ सिक्स माइनस वन कर देंगे। ऐसे ही मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और दूंगा लेंथ, मतलब कि कंप्लीट लेंथ माइनस सिक्स, हो गया अलग। समझ में आया आप लोगों को, सुशील जी समझ में आया आपको? सर जैसे आपने बताया कि अगर ज्यादा डेटा है, ठीक है, अभी ये कुछ से 10 ईमेल आईडी हैं, तो उसके लिए भी ये कुछ अलग से नहीं, सेल में करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो बना है जो फाइंड ऑटोमेट कर दिया, यहाँ पे मैं नाम दिख देता हूँ, सुजीत कुमार डॉट आई पी टी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, देख तो एट द रेट के बिहार से दोनों का अलग कर देगा। कर दिया सर, थोड़ा सा इसमें ये जो 16 जो नंबर आ रहा है, ठीक है, ये तो हर उस पॉइंट में दिखेगा, अगर मुझे इसको मतलब ये दिखना ही नहीं चाहिए तो उसके लिए फाइंड का जो फॉर्मूला। सर कहाँ रह गए आप, हमने बोला ना कि इसे मर्ज कर देंगे, तो बाहर एक्सप्लेन करने भी समझाया मैं आपको, हो गया अब। मैंने जहां पे हमने सिक्स को सिक्स सेलेक्ट कर रखा था ना D21, उसके जगह उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर। इसका नंबर है हमारा यहाँ पर सिक्स का और डॉलर है, क्या हुआ कि इसके ऊपर आप किसी भी तरह का फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, इसका यूज हम लोग करते थे इनवाइसिंग वगैरह में, इनवाइस हो, बिल हो, चेक पेमेंट करना हो, ताकि कोई नंबर चेंज न कर सके। ठीक है सर, और डॉलर भी सेम काम करता है, बट इसमें अलग अलग साइन होते हैं। अब जैसे कि इसमें एक चीज और भी आता है, जैसे कि यहाँ पे राम है और राम है, अगर आप नॉर्मल लुकअप करते हैं इसको सिलेक्ट करके, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों बराबर है, नॉर्मल लुकअप करते हैं तो ये बराबर है, ठीक है।
क्लियर सर? यस। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहां पे आप एग्जैक्ट लगा सकते हैं। एग्जैक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, अब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है? बराबर तब होगा जब दोनों सेम केस में होंगे। तो केस उसे रखना है मैच करने में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है सर? सर सर बोलिए सर, डॉलर का तो है साइन, रुपी का कुछ है सर? रुपी का साइन तो है ही, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो आपने डिफॉल्ट आपका फॉर्मेट होगा वही आएगा। तो रुपी का साइन कैसे लिया जाए? रुपी का साइन आप लगा सकते हैं, जैसे आपने लिया, आपने रुपी का साइन लगाना है तो आप जो है यहाँ पे आ जाए इसमें करेंसी में, और यहाँ से रुपी का साइन मिल जाएगा आपको। लेकिन आपके पास विंडो 8 से अपडेटेड होना चाहिए, विंडो 7 होगा तो उस पर नहीं आएगा, समझे? उसमें आपको उसका फॉन्ट अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए आ गया सिंबल सर, वेरी गुड। सर इसका कोई शॉर्टकट की भी है ना रूपी का साइन लेके आने के लिए? शॉर्टकट की होगा तो मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। एक्चुअली मैं उसको ट्राई कर रहा था पिछले दिनों में, तो मुझे गूगल पे मिला तो था कि उसको कैसे करना है, बट वो मैंने ट्राई किया, वो वर्कआउट ही नहीं हुआ। तो मुझे इसके बारे में ना पता है, तो मैं इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टी का फॉर्मूला आता है टेक्स्ट का, जैसे हमने कुछ नंबर दे रखे हैं और इसमें हमने कुछ करेक्टर दे रखे हैं, नंबर है और करेक्टर है, नंबर है, नंबर है। मुझे नंबर अलग करना है, करेक्टर अलग करना है, तो हमारे पास टी का फॉर्मूला होता है इक्वल टी। हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर मारा और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं। सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा, नंबर को शो नहीं करेगा। और सेम यहां एन का फॉर्मूला होता है इक्वल एन, इसको सिलेक्ट एन का फॉर्मूला जो कि टेक्स्ट को शो करेगा, ऐसा हो रहा है, और नंबर को शो करेगा, टेक्स्ट को जीरो कर देगा। उसके बाद एक रैप का फॉर्मूला होता है, रैप का फॉर्मूला रिपीट का काम करता है। ये आप लोगों को इसका एक सोल्यूशन ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए। इसको मैंने करेक्टर को मैंने बोला कि 5 टाइम रिपीट कर दो, तो एंटर मारते ए इसको 5 टाइम रिपीट कर देगा। ठीक है सर, सर कहाँ पे रिपीट करेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट? यार रिपीट कर, ओके सॉरी एंटर मारना भूल गया था, ओके ठीक है। अब मुझे इसका आप लोग सोल्यूशन ढूंढने में, इसका ऑफिस में हम क्या यूज करेंगे, मुझे इसको ऑफिस में ढूंढ के बताइए कि ऑफिस में इसका यूज हम करेंगे तो क्या करेंगे।
ये रिपीट का, रिपीट का सर। जी 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 इस रिपीट का हम ऑफिस में ऑफिशियल क्या यूज करेंगे, मुझे इसका ढूंढ के बताइए इसके बाद। ठीक है, यस सर। हाँ, इसको ढूंढ के बताइए, फिर अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ओके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।